हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, इट्स मी ज़िदान, मेरी जान, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज़िदान शादरी, होप यू आर डूइंग गुड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या बोलते हैं, सब खैरियत। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक और रमज़ान का पहला रोज़ा भी मुबारक। मेरी तरफ से भी रमज़ान मुबारक और रमज़ान का पहला रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई, शुक्र है पहली सहरी भी हो गई। हाँ ज़िदान, खा के कैसा लग रहा है पहली सहरी? अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही। अच्छी फीलिंग आ रही। और दवाई खाई ना तुमने? हाँ दवाई भी खाई। तो चले फिर नमाज को। हाँ चल ठीक है। और माशाल्लाह पापा कितने सारे लोग थे ना फजर की नमाज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की रौनक कैसे है। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मार्केट हो, मस्जिद हो, सब जगह रौनक ही रौनक। माशाल्लाह बरकत, माशाल्लाह रमज़ान का महीना बरकतों का महीना आ चुका है एक बार फिर हम सब के लिए। माशाल्लाह, तो आप सब लोगों को एक बार फिर से ये बरकतों भरा महीना रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक। और मेरे एग्जाम्स खत्म और रमज़ान शुरू। हाँ एग्जाम्स वगैरह भी बहुत अच्छे से गए, कैसे गए ज़रा कुछ बताओ एग्जाम्स के बारे में। हाँ एग्जाम्स अच्छे गए मेरे, बस दुआ करो कि रिजल्ट अच्छा है। इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। हाँ क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, सब ने किए, बस दुआ चाहिए। हो जाएगा और तुम्हारी आवाज़ काफ़ी बैठी हुई है। हाँ मुझे अभी फ़िलहाल भी बहुत खांसी आ रही, लेकिन मैं खांस तो नहीं। तो अभी फ़िलहाल अभी ज़्यादा बात मत करो, ठीक है? अभी बज रहे हैं 6:30। हाँ जाते हैं घर। हाँ सही है, ठीक है। तो अभी हो रही है इफ्तार की तैयारी और आज के इफ्तार का वक्त है 6:47, बस कुछ ही देर बाकी है। तो पापा अभी फ्रूट स्लाइस कर रहे हैं और मम्मा और दीदी मिल के इफ्तारी के डिशेस की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं इफ्तार बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार भी हो गई अच्छे से और पहला रोज़ा इतनी जल्दी से पता नहीं चला ना मम्मा। हाँ बिल्कुल। हाँ स्पेशल रेसिपी आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि मम्मा की तबीयत आज मॉर्निंग से ख़राब हो गई है। एक्चुअली मम्मा को नेक पे कैच आ गई है, बिल्कुल मूवमेंट्स के लिए नहीं हो रहा है, मम्मा के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। और आप सब लोग दुआ करो कि मम्मा की तबीयत ठीक हो जाए ताकि आप सब लोगों के साथ इफ्तार स्पेशल रेसिपी शेयर कर पाएँ। इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं दवाई लो। सर्दी हो गई है और वीलॉग जैसे वो ऑन करता है ना तो बोलता है कि मुझे ना ज्यादा खांसी आती है और वो खांसी फिर रोकता भी है। हाँ खांसी आएगी, खांसी रोकेंगे तो फिर थ्रोट को और तकलीफ होती है। तो थोड़ा मतलब मैं ही बोलता हूँ, तुम थोड़ा कम बोलो, ठीक है? फिर से मेडिसिन ज़िदान की एक दिन की दवाई तो लेकर आए थे लेकिन कुछ खास असर नहीं करी, कुछ खास असर नहीं की। और तन्नो की दवाई लेने के लिए जाना ही था तो ज़िदान की भी एक और एक दिन की दवाई ले ली है, एक्सपेक्टेंट भी ले ली है, खांसी ज़्यादा है तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी लिए दवाई लाया हूँ मैं, है ना, जैसा तुमने बताया था वैसा बता के। इंशाल्लाह तुम भी खाओ, आराम से खाओ दोनों दवाई, है ना, सो जाओ, सहरी के लिए उठो, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। और रेसिपी तुम नहीं बना पाई तो उसका टेंशन मत लो, कल से बनाना, एक ही रोज़ा तो हुआ है, है ना। रेसिपी मैंने बनाई पर शेयर नहीं करता। हाँ हाँ बराबर, शेयर नहीं करवा, शूट करने का अलग, शूट करने का अलग मामला रहता। रोजा कैसे गुजरा पता भी नहीं चला, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा गुजर गया रोजा प्यार से। और उम्मीद करते हैं आप लोगों का रोजा वैसे ही गुजरा होगा। अरे मैंने तो सबको मुबारकबाद अभी दे दो। तो
अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाए। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करो। ठीक है फिर, तो कल से रेसिपी शेयर करना, ठीक है? हाँ, कल इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। कल इंशाल्लाह। तो अभी बस सोने का टाइम है, रात भी काफी हो गई, तो स्वीट स्वीट खा के सोते हैं। वो मैंने कुछ बनाया है, तो जाजना ले आओ। ठीक है। अच्छा, कुछ और कुछ है मतलब? एक रेसिपी मम्मा ने बनाए है। अच्छा। और मैंने भी क्या मैंने भी ग्रीटिंग्स नहीं की अपने फैमिली को। दे दो फिर। आप सभी लोगों को, पहले कह रहे थे, आप सभी लोगों को रमजान का पहला रोजा मुबारक। सामिया की तरफ से, तनु की तरफ से, हम सब की तरफ से। चलो तो इसको करते हैं साइड में। ओहो, समझ गया। एक मिनट, कैरमल कस्टर्ड, इसको भी हम अरे अभी वो एक्चुअली तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो ये मुझे करने का मौका मिल रहा है, नहीं तो मुझे करने देती नहीं है वो। एक्चुअली मुझे बहुत करने का रहता है लेकिन करने देती नहीं है। अभी क्या करो? अभी ना बिल्कुल बाउंड हिलना नहीं चाहिए और जैसे फ्रीज हो गया है वो? नहीं, कुछ फ्रीज नहीं हुआ। देखो तुम लोग का काम है। नहीं है। सामने कैमरे पे सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने ऐसा किया, रैपिडली मैंने पलटा भी दिया और मतलब रुको मैं करती। अच्छा ठीक है। तनु ने अभी क्या ऐसा कुछ की तो अभी बोली कि अभी करो, अभी हो जाएगा। हाँ, और जो खराब हो गया तो सही करके दियो। क्या मानो, क्या खराब, मेरे से भी गलती होगी क्या? लेकिन जिसका जो काम है वही करे, है ना? तुम एकदम प्लेट को सेंटर में करो। प्लेट को एकदम सेंटर में करो। हाँ, और ऊपर से हाथ, ऊपर से प्लेट पे हाथ रखो। ये रख दिया। जरा ऑन योर काउंट, जरा 3 2 बिस्मिल्लाह। आवाज आई ना, है ना? क्या होता है ना, कभी एयर हो जाता है, वैक्यूम दबा जाता है। चलो अभी देखते हैं, बिस्मिल्लाह। देखो चीज बस साउंड आया। देखिए, ओ हो, भाई
जिसका काम है उसी को साजे, दूसरा करे तो डंका बाजे। मतलब मामा के बिना तो कैरेमल भी नहीं निकलता। कुछ भी नहीं होता मामा के बिना। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है जिदान। मम्मा के बिना, तन्नो के बिना हम लोग सब, हम लोग तीनों तो है ही, हम लोग तीनों के साथ साथ जो घर के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना वो भी फंक्शन नहीं करती। हम लोग सब रुक जाते एकदम। बिल्कुल दुआ करो जल्द से जल्द के अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द तन्नो सेहतियाब हो जाए, सिनान सेहतियाब हो जाए और फिर से आप लोगों को फुल फ्लेज में वीलॉग्स, रमज़ान के वीलॉग्स, रमज़ान के जो भी छोटी मोटी हम लोग जो भी यादें हैं आप उनके साथ शेयर कर सके। जल्द से जल्द दुआ करो। और ये जो है जिदान ठंडा नहीं है, ये नॉर्मल है, ये तुम खा सकते हो, तो तुम भी खाओ। आप लोग भी आओ खाने, आप लोग भी आओ। तो माशाल्लाह कैरमल बहुत अच्छे से फॉर्म हुआ है। एक और कैरमल का जो सिरप है वो दिख रहा है, ऊपर से काजू की जो टॉपिंग से वो भी दिख रही है। इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि बिल्कुल ऐसा उसको तोड़ने का दिल नहीं कर रहा। पर सामिया और जिदान के मन से पूछो। हाँ जिदान, मैं जिदान का फेस देख के समझ। और अभी इसको देख के मुझे एक मेमोरी याद आ रही है, कोरोना के टाइम पे सामिया का बर्थडे इस कैरेबल से मनाए थे। हाँ, क्योंकि सब लॉकडाउन था तो ये कैरेबल केक भी था, तो ये कैरेबल देख के वो मेमोरी भी याद आ गई। वैसे दिल तो नहीं खराब करने का, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छे से फॉर्म हुआ है। ओ सॉफ्ट मैन, मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ी बाइट ले ली। हाँ आप लोग थोड़ा आँखें बंद कर लो प्लीज, ऐसा देख के अच्छा नहीं लग रहा, आँखें बंद करो प्लीज। एक्सीलेंट, यानी सॉफ्टी आओ खाने। अभी मेरी पे बहुत मस्त, बहुत मजा। सामिया का तो फेवरेट है ये, सामिया तो मतलब मैं क्या बोलूं इसको, जितना तुम ला के दो सामिया खा ली, सामिया को इतना पसंद। थैंक यू सो मच मम्मा। वेलकम सीता, अल्लाह हर माँ पे सलामत। आमीन आमीन। तो बस यही था हमारा पहले रमजान का पहला व्लॉग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम शेयर करना चाहते थे नहीं कर पाए, जैसे आप लोग मौलवी हमने बताया उस क्यों क्या मामला था जो भी है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआ करें कि जल्द से जल्द जिदान, जिदान की मम्मा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके और पे प्रेस करना मत भूलना। जल्दी आ जाइए एक नए व्लॉग के साथ, जब तक कि टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। बाय बाय, लव यू ऑल। इट्स मी इज़ ना यूट्यूब फैमिली की जान। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नौमी, याद रखना, जब तक अपना बहुत 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 सारे ख्याल रखना। कल से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।